नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि बंदोबस्ती में मिले हुए जमीन को क्या हम बेच सकते हैं। तो दोस्तों इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों अगर इस तरह की बात है कि आपके पास कोई बंदोबस्ती करके जमीन आपको मिला है, ठीक है, बंदोबस्ती पर बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी मैं बना ले चुका हूं, ठीक है। अब सब्सक्राइबर का सवाल है कि बंदोबस्ती का जमीन हमारे पास है तो क्या हम उस जमीन को बेच सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास बंदोबस्ती किया हुआ कोई जमीन है और आप चाह रहे हैं कि उसे हम बेचें, तो सबसे पहले इस बात को आप समझें कि बंदोबस्ती करके सरकार आपको जमीन क्यों देती है, किस लिए देती है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि बंदोबस्ती करके जिन व्यक्ति को भी जमीन दी जाती है तो उनके नाम से पर्चा काटकर उनको दिया जाता है, और ये उन्हें दिया जाता है जो भूमिहीन होते हैं, मतलब जिनके पास रहने के लिए कोई जमीन नहीं है, ठीक है, उन्हें दिया जाता है बंदोबस्ती करके जमीन, पर्चा काटकर उनके नाम से दिया जाता है, वो इसलिए कि रहने के लिए। अब बात आती है कि उन्हें तो रहने के लिए दिया गया है लेकिन अब वो सोचते हैं कि इसे हम बेचें, तो दोस्तों ये बेचना जायज नहीं है और लागू भी नहीं है। तो आप बंदोबस्ती किए हुए जमीन को आप बेच नहीं सकते हैं, उसे आपको रहने के लिए दिया गया है तो आप उस पर रह सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, आप उस पर रह सकते हैं, लेकिन बेच नहीं सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स।